दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस समय आप पार्टी का कार्यकर्ता एक गाना गुनगुना रहा है, आपके ठुक गई कील, बंगला हुआ सील। आपका कार्यकर्ता मनी मन गुनगुना रहा है, आपके ठुक गई कील, बंगला हुआ शीश महल अब सील। पार्टी खत्म हुई, हुआ बैटफील, केजरीवाल गया पार्टी पूरी लील। ये आप पार्टी के कार्यकर्ता, इससे अभी भी नहीं रुक रहे हैं आप कार्यकर्ता, और क्या कह रहे हैं, तिहार अब ना दे ढील, केजरीवाल गया पार्टी लील। ये आप पार्टी के लोग कर क्या हुआ सुनिए। दो होशियार, एक कहावत है चतुर नारे बड़ी, बिल्कुल दो होशियार। कौन? एक अरविंद केजरीवाल, एक ये देखिए बीच में क्या है, ताला, टूटी सील, सुना होगा आपने। ये देखिए सील हो गया, सबसे बड़ी बात कही जाती है। ये आपको बतला रहे हैं शीला दीक्षित के सीलिंग के खिलाफ पूरे इन्होंने उल्टा सीधा गाया था। आज क्या पोजीशन हो गई, बेआबरू हो के निकाल दिए गए और सीलिंग सीलिंग चिल्लाते थे, इनका खुद सील हो गया। वो चाबी नहीं दी, पता नहीं क्या, जब से ये यूपी गए एक से मिल लिए। एक बार विभव कुमार को ले गए थे, जब विभव कुमार ने एक महिला को मारा था बेचारी को, तो ये गए थे लखनऊ मिलने, विभव कुमार को बैठा रहे, पता नहीं क्या हुआ, चाबी नहीं, सामान गायब, कहीं पता चला। ये तो पहले सुनते होंगे टोटी कोई लेके भाग गया, कोई कुल लेके चला गया, ये साहब सामान ही लेके सब चले गए, चाबी भी दिए, फोटो खिंचा ली। फिर अब सुनिए क्या है इसमें, केजरीवाल का बंगला सील हो गया, कई मकान है इनके पास, हरियाणा में भी है, हरियाणा में भी है मकान, जगह है सब, और दूसरा बंगला दिल्ली में अपने बंगले के पास लिया है, जहां इनकी विधानसभा चुकी हार रहे हैं। आप देख लीजिए क्या पूरी पार्टी रो रही है इस शख्स ने क्या किया। और मैं अंदर की एक आपको बात बता दूं जो बहुत बड़ी ताजुब की, इस पार्टी में क्या बात हो रही है वो आप अगर सुनेंगे तो आप ताजुब मान जाएंगे। इस पार्टी में समय बहुत एक बात चल रही है, स्वयं मैडम केजरीवाल चिंतित हैं कि जब से ये आए हैं तब से मेरी चल नहीं रही है। आप देखें ये अवैध रूप से रह रहे थे, अवैध रूप से इन्होंने निर्माण कराया था, सब कुछ अवैध था, और आप समझ लीजिए इनका सब कुछ अवैध हो गया, क्योंकि वैध ये थे ही नहीं, लीगल थे ही नहीं। अगर लीगल होते तो अब तक ये जीत जाते, इतने महंगे महंगे वकील ना रखते। ये खुद कहते थे सीबीआई ईडी अगर मुझे बुलाए तो मैं तो चला जाऊं, पता नहीं क्यों भ्रष्टाचारी लोग हैं, चले जाए सामने सीधे चले जाए, सही हो गए तो क्या जरूरत वकील करने की। ये वकीलों के लिए तीन अफसरों को नोटिस दी गई, पीडब्ल्यूडी के पूर्व सचिव को भी दी गई है जो इनका खास था, ये अफसरों को मिला करके सब ये करते थे। और सुनिए इनकी जो मोहतरमा है बेगम साहिबा, नमस्ते कैसे करती हैं, हर एक रैली में देखिए ऐसे करती हैं, एक नया स्टाइल निकाला हिंदुस्तान में। आपने देखा होगा रजनीकांत के सिगरेट पीने के स्टाइल, नमस्कार करने के स्टाइल, सबकी अलग। इंदिरा गांधी ऐसे करती थी, हर एक की अपनी स्टाइल थी, बाबू जगजीवन राम ऐसे, डॉक्टर अंबेडकर जी ऐसे करते थे, हर एक की अपनी एक स्टाइल थी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये एक नया निकाला देखिए, ये इस तरह से नमस्ते करना, नया हर लुक नया, चूँकि अपने आप को ये अलग प्राणी समझते हैं। आपको बता रहे कहना नहीं चाहिएगा एलियंस भी आए और ये पता चले कि उनके पास बढ़िया माल है तो यही लोग कहो मिलने चले जाए, ये इन्हीं से मिलने आए, ये पोजीशन है ये, चूंकि इनकी सब है, कोई भी बड़ा आया ये, और कोई डील नहीं कर सकता, सुकेत चंद्रशेखर को डायरेक्ट ये डील कर रही थी। इनको क्या दुख है कि जब से केजरीवाल जी आए तब से सब अधिकारी मेरे पास आते नहीं, सब आते नहीं, केजरीवाल जी खुद टप से हर जगह पहुंच जाते हैं इनकी। अब आपको बता रहे पार्टी के अंदर क्या तय हुआ सुन लीजिए, आपस में तय हुआ है, ये अगर जेल में रहते तो ज़्यादा था, कम से कम सब दोष सरकार पे और लोगों पे कर देते, अब तो वहाँ जाके हरियाणा में इतनी बेइज्जती हो गई, ये लोकसभा में आए तो इतनी बेइज्जती हो गई, बंगला खाली हो गया, इसीलिए कहते थे ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। इन्होंने ही, इनको देखिएगा पाप पड़ेगा किस बात का, इतनी अच्छी मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, उसके लिए कितना बदनाम किया था, हर एक के लिए
इनके पास शरद पवार का नंबर भी था आज तक बताया नहीं, कहीं मेरे पास नंबर है स्विस बैंक का, बता नहीं रहे, और फिर खुद माफ़ी मांगने गए। हर जगह माफ़ी मांगने वाला घुटना टेक आदमी आज पोजीशन क्या है, हिंदुस्तान की आवाम के सामने खोपड़ी टेके हुए है, मगर जनता माफ़ नहीं कर रही है, जनता माफ़ नहीं कर रही। और यही एक वजह है कि पूरी हर जगह ख़त्म हो गए, गुजरात से ये भगाए गए, यूपी से जानबूझ के इन्होंने नहीं बनने दिया, दिल्ली से ये हार गए, आगे जा कर के दिल्ली में इनका आपको बता रहे हैं बिल्कुल पतन होने जा रहा है। लोगों ने तय कर लिया इनकी पार्टी और इनके ग्रुप को इतना नीचे दफन कर देंगे, इतना नीचे दफन कर दे। मगर लोगों का ये भी कहना है, दिल्ली वालों का, जैसे कुत्ते की दुम होती है टेढ़ी होती है, अगर उसमें एक आप लोहे की राड भी डाल दीजिए और 30 फुट नीचे अगर दफना दीजिए, उसके ऊपर आप सरिया बना दीजिए और सरिया के बाद उसमें लेंटर डाल दीजिए, सब कुछ आए, उसके बाद रोड टेढ़ी हो जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। इसीलिए उनका कहना है कि जो केजरीवाल गुट की आप पार्टी है, इसको इतने नीचे दफन कर देंगे, इतने नीचे दफन, पानी के नीचे का जो तल होगा उसमें जाके दफन करेंगे, ये स्थित है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस समय आप पार्टी का कार्यकर्ता एक गाना गुनगुना रहा है, आपके ठुक गई कील, बंगला हुआ सील। आपका कार्यकर्ता मनी मन गुनगुना रहा है, आपके ठुक गई कील, बंगला हुआ शीश महल अब सील, पार्टी खत्म हुई हुआ बैटफील, केजरीवाल गया पार्टी पूरी लील। ये आप पार्टी के कार्यकर्ता, इससे अभी भी नहीं रुक रहे हैं आप कार्यकर्ता, और क्या कह रहे हैं, तिहार अब ना दे ढील, केजरीवाल गया पार्टी लील। ये आप पार्टी के लोग कर, क्या हुआ सुनिए, दो होशियार, एक कहावत है चतुर नारे बड़ी, बिल्कुल दो होशियार, कौन, एक अरविंद केजरीवाल, एक ये देखिए बीच में क्या है, ताला, टूटी सील सुना होगा आपने, ये देखिए सील हो गया, सबसे बड़ी बात कही जाती है। ये आपको बतला रहे हैं शीला दीक्षित के सीलिंग के खिलाफ पूरे इन्होंने उल्टा सीधा गाया था, आज क्या पोजीशन हो गई, बेआबरू हो के निकाल दिए गए और सीलिंग सीलिंग चिल्लाते थे, इनका खुद सील हो गया, वो चाबी नहीं दी, पता नहीं क्या, जब से ये यूपी गए एक से मिल लिए, एक बार विभव कुमार को ले गए थे, जब विभव कुमार ने एक महिला को मिला था बेचारी को, तो ये गए थे लखनऊ मिलने, विभव कुमार को बैठा रहे, पता नहीं क्या हुआ, चाबी नहीं, सामान गायब, कहीं पता चला, ये तो पहले सुनते होंगे टोटी कोई लेके भाग गया, कोई कुल लेके चला गया, ये साहब सामान ही लेके सब चले गए, चाबी भी दिए, फोटो खिंचा ली। फिर अब सुनिए क्या है इसमें, केजरीवाल का बंगला सील हो गया, कई मकान है इनके पास, हरियाणा में भी है, हरियाणा में भी है मकान जगह है सब, और दूसरा बंगला दिल्ली में अपने बंगले के पास लिया है, जहां इनकी विधानसभा चुकी हार रहे हैं, आप देख लीजिए क्या पूरी पार्टी रो रही है, इस शख्स ने क्या किया। और मैं अंदर की एक आपको बात बता दूं जो बहुत बड़ी ताजुब की, इस पार्टी में क्या बात हो रही है वो आप अगर सुनेंगे तो आप ताजुब मान जाएंगे। इस पार्टी में इस समय बहुत एक बात चल रही है, स्वयं मैडम केजरीवाल चिंतित हैं कि जब से ये आए हैं तब से मेरी चल नहीं रही है।